अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूँ इम्सास चैनल से, कनाडा लाइफ स्टाइल के साथ। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमारा जो व्लॉग है वो मेरे पार्सल पे है। मैंने ये पार्सल मंगवाया था, ये बड़ी एक्साइटेड हूँ इसको खोलने के लिए। तो मैंने इसको ओपन कर रही हूँ, मैं आपको भी दिखाऊंगी ओपन करते हुए कि मैंने क्या मंगाया। देखते हैं जो मैंने मंगवाया वो आया भी है कि नहीं, क्या आया है। ठीक है, अमेज़ॉन से मंगवाया था। अच्छा, ये बर्फ़ इतनी है इसकी वजह से ये गीला हो गया है। चलिए देखते हैं। इसको खोलना कैसे है? अच्छा, ये वो स्टोव, ये तो बड़ा टाइट है, इसको खोलना कैसे है ये समझ में नहीं आ रहा। कैन यू हेल्प मी? इसको खोलेंगे? ये कैसे खुलेगा? ये देखें कैसे खुलना है, इसको ओपन करें आप। मैं अदर बॉक्स खोलती हूँ, इसको खोल के दिखाएं। अच्छा, ये जो है देखते हैं क्या निकलता है। जो क्या जो हमने मंगवाया है वो चीज़ निकलती भी है कि नहीं। अच्छा, ये हमारा वो ऑर्गेनाइज़र कह लें, ये इस तरह से अभी ये सेट होगा। ये पूरी ऑर्गेनाइज़र ट्रे सेट है, ये ट्रॉली सेट है, इसकी ये सारी चीज़ें हैं। ये इस तरह से अभी हमने इसको सेट करना है, ये इस तरह से इसकी सेटिंग होगी। ये फोर पीस, आई थिंक फोर या फाइव पीस का है, फोर पीस का है। ठीक है, ये देखें, ये मैंने ग्रे कलर में मंगवाया था, मुझे ये कलर अच्छा लग रहा था। ये देखें ऐसा लग रहा है। ये जब इसको पूरा तैयार कर लेंगे तो फिर मैं दिखाऊंगी ऑर्गेनाइज करके इसको। ठीक है, ये एक चीज़ तो सही और अच्छी आ गई है, परफेक्ट है। दूसरा हमारा ओपन हुआ नहीं, देखें तो सही, उसका मुझसे भी नहीं ओपन हो रहा, आपसे भी नहीं हो रहा। चलें जी, दूसरी चीज़ ये क्या है ये भी देख लेते हैं। ये अच्छा बी डी है, ये देखें, ये हमारे इधर कनाडा में इसको पाकिस्तानी मुस्लिम शावर कहते हैं। तो ये एक मैंने बिडी मंगवाया था, ये पहले एक वॉशरूम में तो लगा हुआ है, तो अब दूसरे वॉशरूम का मैंने मंगवाया था। ये देखें, ये पूरी किट है इसकी, सही हर चीज़ इसमें मौजूद है। ठीक है, ये देखें, जी इस तरह से ये देखेंगे, कमोड के साथ लग जाएगा। और ये शावर है, ये अच्छा जी खुल गया, चलिए ओके। अच्छा, ये एक ये चीज़ मंगवाई है हमने, ये इसका पाइप है। अच्छा, और दूसरी जो चीज़ मंगवाई है वो भी पिक्स होगी, ये है तीसरी, ये हमारा थर्ड जो है वो आइटम है। और इस ये हमारा स्टोव है, ये देखेंगे, ये मैंने मंगवाया है। और इसका फ़ायदा ये है कि ये हम जब बाहर जाएंगे ना अब गर्मियों में, तो फिर हम बाहर जाके इजीली खाना बना सकेंगे। ये इसमें छोटा सा एक सिलेंडर है, और साथ ही ये स्टोव है, गैस स्टोव। ये पूरा हम इसको फिक्स करवाऊंगी मैं अपने बेटे से, ये वही सेट करके देगा, या शायद ये कंप्लीट है, इसकी लगना है कुछ।
इसका साइज़ बहुत ही छोटा है, लेकिन ये कि और अच्छा है कि ये किट इस तरह से है। ये देखें ठीक है, इधर से दिखाती हूँ। ये देखें, ये किट है। दो तीन चीज़ें तो हमने ये मंगवाई थी, और एक चीज़ जो है वो चलें जी इसका भी हल निकालते हैं, इसको खोलते हैं। नीचे से ये भी गीला हो रहा है बर्फ़ की वजह से, इसको हटाते हैं और इजीली इसको हिला के देखते हैं, इधर रख के देखते हैं। डब्बा काट दिया, शायद टेप नहीं करती। अच्छा ये जो है ना, ये मैंने अभी दो महीने पहले एक अपनी सिलाई मशीन खरीदी थी, और सिलाई मशीन का केस नहीं आया था, तो ये मैंने अपनी सिलाई मशीन का केस मंगवाया है। तो इसको हम ओपन करके देखते हैं ये कैसा है। पहले मैंने प्लास्टिक का बुक किया था, तो वो फिर आउट ऑफ स्टॉक हो गया, वो नहीं आया। अब मैंने ये मंगवा लिया। अच्छा जीन्स का कपड़ा है, और अच्छा खासा इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, अंदर पूरा फोम वगैरह लगा के इन्होंने अच्छा सा बनाया हुआ। ये सारा इसके धागे और चीज़ें वगैरह रखने के लिए इसमें पोर्शंस बने हुए हैं। और ये देखें, यहाँ इसके अंदर मशीन आ जाएगी, और यहाँ पर इसके अंदर ये सारी इसकी चीज़ें, जो भी कपड़ा वगैरह रखना है, जो कपड़ा काटा हुआ है या जो भी कपड़ा आपने, इसके अंदर ये भी एक इसका ज़िप है, इसके अंदर भी चीज़ें वगैरह सारी सिलाई की। फिर उसके जो पैडल है वो देखें, उसके लिए भी इन्होंने ये देखिए यहाँ पर इसका पैडल वगैरह रख सकते हैं, दोनों साइडों पे है। ये देखिए सारी मशीन की चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर ही रखी जाएंगी। ये देखिए ठीक है, ये देखिए यहाँ धागे वगैरह आ जाएंगे। अच्छा और मैं दिखाऊँ आप ये क्या इसके साथ, ये इसका नीचे बिछाने के लिए, ताकि ये फिक्स रहे। तो मैं इसको इसके अंदर बिछा देती हूँ। ये देखें कितना अच्छा सा बन गया है अब इसके अंदर, और मशीन जो है वो इसके अंदर इस तरह से महफूज रहेगी। अच्छा ये है इसका कैरी स्टैंड, इसके अंदर इजीली रख के, और ये स्टैंड इसके साथ फिक्स हो जाएगा, तो हम कहीं भी इसको पोर्टेबल हो जाएगा, कहीं भी घसी ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह इजीली। ये देखें मशीन की कितनी रिस्पेक्ट हो गई है, इसको इसके ऊपर फिक्स करना होगा। इसका पूरा है ये, सुने आप इसको करें, इसको ओ निकल गया, ये लेंगे इसके नीचे, इसको फिक्स कर सकते हैं। उधर रखो, इधर ही कर देंगे इसको खोल के। हाँ ऊपर क्यों रखना है इसका, ये देखिए इसके सारे जो है ना चीजें ये बने हुए हैं, इनके अंदर ही इसको ऐसे करके
एक्साइटिंग है। हमें तो जल्दी होती है हर काम की, जो चीज़ आ जाए वो बन जाए, कंप्लीट हो जाए। ज़ाहिर सी बात है, मंगवाया है तो ज़ाहिर है फिर हमने इसको बनाना भी है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम इसे अब छोड़ दें, है ना? ठीक है, ये देखें, यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर होगा ऐसे, या दो साइडें तो इस तरह ही कवर हो। ये देखें, ये बैग इस तरह से तैयार हो जाएगा, पोर्टेबल बैग। ठीक है, ये देखें, और यहाँ से इधर से कहाँ से इसको लाके करना है, इसको भी जाहिर है यहाँ पर रखना होगा इस जगह पे, और इसको इसके अंदर से घुसा के लाना पड़ेगा। चलें बना ही लेते हैं, बाकी ये वाले काम तो मैं कर लूँगी, मगर जो बिडी लगना है वो जाहिर है मेरा बेटा जब फारिग होएगा तो इस दिन उस दिन वो उसको सेट कर देगा। कहाँ से अंदर आएगा, इसने आना तो ये वाला साइड तो यहीं से आएगा, और ये वाली साइड कहाँ से आएगी, यहाँ से। चलें इतना तो कर लिया है, बाकी मैं अपने बेटे से ही करवाऊँगी, ये तो लड़कों के ही करने के काम है। नहीं नहीं, ये इसका एक ये भी है, अब ये मेरा बच्चा ही करेगा, या शायद मैंने गलत साइड से इसको एग्जैक्ट बिल्कुल इसको गलत साइड से लगा लिया ये उस साइड से लगना था, और ये इसीलिए सेट नहीं हो रहा कि इसको ऐसे सेट करना है। ठीक है, इस तरीके से इसको इधर से, इसकी बैक का पिछला हिस्सा पिछले हिस्से की तरफ स्टैंड जाएगा, और मैंने फ्रंट साइड पे कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, ये देखें जी, ये हमारा पोर्टेबल स्टैंड। अच्छा, ये अब ये भी यहाँ सेट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, इसने यहाँ पे सेट होना था, अब सही हो गया। ये देखें, और ये वाला साइड जो है ये भी कहीं सेट होना ही है, इसने कहाँ सेट होना है। चलें ठीक है, ये ऊपर से आएगा इसका, इस जो भी आएगा। ठीक है, ये देखें कितना अच्छा हमारा ये सेट हो गया है, और ये वाला जो है ये यहाँ पे सेट होना है। हम जब तक काम मुकम्मल ना कर लें जाहिर है हमें चैन तो नहीं आएगा, और जो चीज़ हम नहीं कर सकते उसके लिए हमने उसको छोड़ दिया है। ये देखें, ये कितना अच्छा सा तैयार हो गया। अच्छा, इसके अंदर से वो गिर गया है, वो मैं लगा देती हूँ। ये देखें, और मैं इसमें मशीन रख कर दिखाती हूँ कि मशीन कैसे इसमें रखी जाएगी। ये देखें, ये देखें, ये हमारा बैग तैयार हो गया, ये सिलाई मशीन का बैग। ठीक है, मैं अब इसमें अपना मशीन रख कर दिखाती हूँ। मशीन भी आ ही गई है, ये देखें, थोड़ा भी अर्सा पहले हुआ है, अभी कोई डेढ़ महीना हुआ है, मैं डेढ़ दो महीने हो गए मशीन खरीदे हुए। अब मैं इसको इसमें रखती हूँ, अब मशीन इसके अंदर सेफ हो जाएगी। हैवी प्लास्टिक की मशीन, देखें ये देखें कितनी अच्छे से। चलें जी, अब मशीन जो है वो सेफ है। ये देखें,
ये देखें, और इसे हम इजीली कहीं भी ले जा सकते हैं। ये देखें, आज बहुत सर्दी है, इतनी ज़्यादा कि हीटर लगाना पड़ गया। ये देखें, तो चलें जी, आज हमने आपको अपना दिखाया, हमने क्या चीज़ें मंगवाई हैं अमेज़ॉन से, और सारी चीज़ें बहुत अच्छी आई हैं और ऑन टाइम पहुंच गई हैं। सैटरडे का था कि सैटरडे की मॉर्निंग 10 AM में ये तक ये आएगा, और आज फ्राइडे है और ये अभी हमारे 6 बज रहे हैं और हमारी ये पहुंच भी गया है सामान। तो इतनी फास्ट जो है, और फ्री शिपिंग हुई है चारों चीज़ों की, मुझे इनको कोई शिपिंग नहीं देना पड़ी, बहुत अच्छी आ गई है। ये हमारा आ गया है तकरीबन $100, 199 की वो 3 चीज़ें हैं, और ये वाला जो है ये 105 या 115 का है, अब मुझे इतना जहन में नहीं आ रहा। तो चलें जी, ठीक है, मुझे इजाज़त दें, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे देखने का, और मेरे अगर अच्छा लगा है आपको मेरा ये मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।